इस कहानी की लेखिका है नंदिनी राजापुरकर। आज की हमारी कहानी कोंकण के संगमेश्वर तालुका में बाव नदी के बारे में है। ये नदी अपने बड़े और विशाल स्वरूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो असली कोंकणी है उन्हें इस नदी का महत्व पता होना चाहिए। इस कहानी की घटना एक सच्चाई है जो मैंने अपने एक करीबी व्यक्ति से सुनी है। कहानी में सिर्फ किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। कहानी सुनकर आपको असहजता महसूस होगी। कोंकण का नाम ले तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक मनोरम हरा भरा इलाका, वहाँ के जाने माने सख्त देवता और साथ में होय महाराज का जोरदार नारा। मन में रहस्यों से भरी हजारों बातें लेकर हरी भरी झाड़ियों में छिपा घना सा जंगल, समुद्र का गहरा शोर, उसके अंदर बसी बहुत सारी मछलियां और नारियल के पेड़। कहा जाता है कि इस इलाके में बरसात के मौसम में लाल पानी होकर बहने वाली बाव नदी काफी पुरानी है। इसके तट पर अनेक गांव बसे हुए हैं। कहा जाता है कि यह नदी कभी नहीं सूखती। सभी के लिए जीवन रेखा होने वाली यह नदी बरसात के मौसम में मानो आंधी का रूप ले लेती है और सभी को अपने साथ बहा के ले जाती है। उसमें डूबने वाले शायद ही कभी जीवित वापस लौटे हो। उसने ऐसे कई शिकार लिए थे जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। हर साल एक दो लोग नदी में तैरने के लिए जाकर डूब के मरने जैसे हादसे यहाँ होते ही रहते हैं। कोंकण के इलाके में पासी में एक गांव था। वहां पर 4-5 युवकों का एक समूह था। उनमें साहस की वो सभी भावनाएं थी जो उम्र के साथ आती हैं। गांव में कोई भी संकट आने पर ये 5 लोग सबसे पहले बचाव के लिए दौड़ पड़ते। ये अक्सर समस्याओं को सुलझाने में सफल हुए थे, इसलिए इन्हें इस बात पर भी गर्व है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बाव नदी के बारे में फैली हुई अफवाहें जग जाहिर थी और चूंकि इसमें कई तथ्य थे इसलिए सभी ने इसके लिए कुछ नियम बनाए थे ताकि आगे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जैसे दोपहर 12 या 3 बजे की धूप में नदी में जाना, बरसात के मौसम में वहां अकेला तैरने जाना, नदी में गलत जगह मतलब जब पानी की गहराई समझ में ना आती हो तब तैरने जाना, सूर्यास्त के बाद नदी में जाना, इन सारी चीजों पर रोक थी। और भी कहीं छोटी